जीवन काल के अंदर हमारा एक सपना ही था कि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी की जय हो, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। 6 घंटे के 7 घंटे के सफर में अयोध्या जा पाऊंगी और अपने लोगों से मिल पाऊंगी, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाऊंगी। इससे और हमारे मोदी जी ने उनका घर पूरा करा, उनका सपना पूरा करा और राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। जो रामलला के लिए उन्होंने जो भव्य मंदिर बनवा दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए मोदी जी दूरदर्शी नेता हैं, मोदी जी को मालूम है कि जब इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा तो वहाँ की जो संख्या होगी राम भक्तों की उसके लिए पूरा इंतजाम करके चलना है और आज ये वंदे भारत ट्रेन तो ये केवल शुरुआत है। रामलला के विराजमान होने का बहुत दिनों से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। आसान साधन हो गया है कि हमें जब भी जाना होगा हम वंदे भारत को पकड़ के और अयोध्या राम मंदिर में पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है, 22 जनवरी जो 500 साल इतने देखिए जो जिन्होंने बलिदान दिया हम उनको भी सर से नमन करते हैं। उनके बलिदान के बाद हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं और सबसे बड़ा हम जो कहते हैं जो दिन देख रहे हैं वो मोदी जी और योगी जी, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया हम लोग शायद सोच नहीं सकते, वो भी सोच ही नहीं सकते थे कि अभी दिन देख पाएंगे कि अपने जीवन काल के अंदर हमारा एक सपना ही था मगर ये हमारा सपना जो हमारे जीते जी हम देख पा रहे हैं। मैं अपने देख पाऊंगी कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही हिंदुत्व के लिए लड़ रही है, हिंदुत्व को आगे ला रही है। तो ये सोचे कि हिंदुत्व के लिए एक ही पार्टी को मैं कहती हूँ वो है मोदी जी की और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी की जय हो, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। ये जो ट्रेन मिला है आज दिल्ली को वंदे भारत, आज बहुत ही खुशी का माहौल है और मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा क्योंकि मैं खुद अयोध्या की रहने वाली हूँ और 12-12 घंटे लगते थे मुझे यहाँ से अयोध्या जाने में। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आज 6 घंटे के 7 घंटे के सफर में अयोध्या जा पाऊंगी और अपने लोगों से मिल पाऊंगी, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाऊंगी। इससे अच्छा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, आज बहुत खुशी की बात है और आज यहाँ पे जितने लोग हैं सबके चेहरे पे यही खुशी है, सबको यही लग रहा है कि आज जो चीज हो नहीं पाती थी पॉसिबल, इतने घंटों का रास्ता तय करना बहुत ही मुश्किल था, आज उनके लिए पॉसिबल हो सका है, आज लोग जा पाएंगे दर्शन कर पाएंगे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी मानव मानस। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पूजा शर्मा। क्या कहेंगे आज वंदे भारत एक्सप्रेस? आज मैं कहूंगी नहीं, मैं हम झूम रहे हैं, हम नाच रहे हैं, एक खुशी है और ये खुशी हमने जो सपनों में रखी थी कभी पूरी नहीं होगी। पहले भी और सरकार थी ना उन्होंने राज्य करा था मगर किसी ने भी राम के लिए नहीं सोचा था। कहते हैं ना कि एक घर सबको चाहिए, हम अपने पति से पूछे कि हमारा घर कब बनेगा तो सीता मैया ने भी पूछा था और हमारे मोदी जी ने उनका घर पूरा करा, उनका सपना पूरा करा। रामलला का घर है जो अयोध्या नगरी, रामलला का घर है जो अयोध्या, आज वो हमें इतना खुशी का दिन है जो 22 जनवरी राम जी अपने घर लौट रहे हैं। वाकई में दिल से खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सोचा है तो वो है नरेंद्र भाई मोदी और ऐसे प्रधानमंत्री को हम बहने सलूट करती है, उनका वंदन करती है कि पीएमओ तो मोदी जैसा कि राम के रूप में कलयुग में हमने राम को देखा तो मोदी को देखा, योगी को देखा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखा, ये राम भक्त है। जब भी आज राम भक्तों के वेलकम के लिए हम यहाँ पे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आए हैं जो वंदे मातरम भारत ट्रेन आ रही है और मोदी जी आपको पूरा भारत सलूट करता है और राम भक्तों का अभिनंदन करते हैं और राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अपर्णा गोयल है, मैं भारतीय जनता पार्टी शारदा की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ।
देखिए वंदे भारत की सौगात पे हम दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों को इतनी सुलभता कर दी कि आप 8 से 10 घंटे में दिल्ली से बैठे और अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से बैठे और दिल्ली पहुंचे। तो वंदे भारत एक बहुत बढ़िया ट्रेन है और सालों पहले कार सेवकों की जो कुर्बानी थी वो आज का रंग लाई है और हमारे रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इसी खुशी में सारे राम भक्त पूरी दिल्ली झूम रही है, बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया हमने, तो देखिए यहाँ तो नहीं क्या बोले राम भव्य निर्माण में बुलाया, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा वो उसकी मर्जी। यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम हुआ मैम? मिन्ना ठाकुर। क्या कहेंगी आज वंदे भारत का सौगात मिला है नई दिल्ली? सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सब चीज़ें आसान कर दी और हमारे लिए जो रामलला के लिए उन्होंने जो भव्य मंदिर बनवा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो वंदे भारत ट्रेन है अयोध्या से आ रही है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर आ जाए हैं यात्रियों के स्वागत के लिए। सौगातें ही सौगातें मिल रही हैं, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है तब से हर भारतवर्ष को हर भारतवासी को केवल सौगातें ही सौगातें मिल रही हैं। देखिए हम अयोध्या नगरी एक पावन धाम भगवान श्री राम का, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपने जीते जी अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर देख रहे हैं। और जब राम मंदिर बनेगा तो उसमें पर्यटक भी जाएंगे, उसमें जो राम भक्त हैं वो भी पूरे देश से यात्रा करेंगे। तो इस तरह की ट्रेन, इस तरह के जो एयरलाइन एयरपोर्ट बना है इनकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है। देखिए मोदी जी दूरदर्शी नेता हैं, मोदी जी को मालूम है कि जब इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा तो वहाँ की जो संख्या होगी राम भक्तों की उसके लिए पूरा इंतजाम करके चलना है। और आज ये वंदे भारत ट्रेन तो ये केवल शुरुआत है, केवल अयोध्या शहर का नहीं अयोध्या के आसपास जो भी जो शहर हैं जो अभी तक विकसित नहीं हुए थे उनका भी पूर्ण विकास होने वाला है और पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का विकास हो रहा है। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रहा है, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, अगर कहीं वर्ल्ड में समस्या होती है तो सब मोदी जी की तरफ देखते हैं। तो ये मोदी जी का प्रताप है और ये तो बहुत बड़ी सौगात है। क्या लग रहा है सौगात मिला है दिल्ली को वंदे भारत? बहुत सौभाग्य की बात है, 500 साल बाद राम जी के भक्त आज इस ट्रेन में जाएंगे। बस मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राम मंदिर बनने में इतना सहयोग किया और हम आज ये देख सक रहे हैं 500 वर्षों बाद कि हमें राम मंदिर रामलला के विराजमान होने का बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। बस हम मोदी जी का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज मोदी जी की वजह से हम अयोध्या में इतना विकास देख रहे हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट बनवा दिया महर्षि वाल्मीकि जी के इस पर और इतनी ट्रेनों की सौगात दी है जिससे हम सभी को वहाँ दर्शन के लिए जाने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हम बस मोदी जी का ही ऐसे सपोर्ट करते रहे, सबका साथ मिलता रहे ताकि हम ऐसे ही सब जगह अब कृष्ण मंदिर के लिए भी हम उस आगे की तैयारी कर सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग अयोध्या से आए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी इस वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये वही वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसके अंदर सारे लोग अयोध्या से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचे। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी तो खैर खाली है, सिर्फ मीडिया कर्मियों से भरी हुई है, लेकिन बैठे हुए थे इसके अंदर जो लोग अयोध्या से आए थे। मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी जी। बाबा क्या नाम है? जमील अख्सर। क्या नाम है? जमील अख्सर है नाम। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी को, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम जुबेर अंसारी है और ट्रेन मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, वंदे भारत में। अयोध्या में राम मंदिर में हम लोग गए थे लेकिन वहाँ पे अंदर जाने को तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ही भव्य मंदिर। जिस ट्रेन में आप आई हैं उस ट्रेन को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है जी।
मोदी जी के बारे में दो शब्द बोलिए। अब सर के बारे में तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, सर के बारे में तो सब जानते ही है, सर कितनी बड़ी हस्ती है और सर हमारे भारत को इतनी अच्छी अच्छी वंदे भारत दे रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या वासियों के लिए और दिल्ली वासियों के लिए, ये एक नई सौगात है। ट्रेन जो है प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन जो है हमें मिली है, जिसके द्वारा हम अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए हमें एक आसान साधन हो गया है कि हमें जब भी जाना होगा हम वंदे भारत को पकड़ के और अयोध्या राम मंदिर में पहुंच जाएंगे। राम मंदिर का 22 जनवरी को हो रहा है लोकार्पण, क्या कहेंगे इस पे? यही कहना चाहेंगे कि जब मंदिर बन रहा है तो उससे पहले जितने भी लोग विजिट करने आएंगे उसके बाद भी, तो सबसे बेस्ट ट्रेन रहेगी ये हमारे, जो भी बाहर से लोग आएंगे उनके लिए बेस्ट ट्रेन होगी अयोध्या जाने के लिए, क्योंकि कम समय में और अच्छी प्रीमियम फैसिलिटीज़ है ट्रेन में। सो मज़ा आएगा इसमें लोगों को जर्नी करके, और वहाँ राम मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ है तो भाई क्या कहें, मतलब मज़ा आ जाएगा। दिल्ली वालों को सौगात मिला है वंदे भारत, ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली वालों के लिए सौगात मिली है अयोध्या के लिए सीधे ट्रेन, वो अब आसानी से जा सकते हैं श्री राम जी के दर्शन करने। और जनवरी में जैसे कि आप सभी को पता है 22 तारीख को श्री रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जनवरी से पहले ही हमारे लिए ट्रेन चालू हो चुकी है और हम लोग दर्शन करने बहुत ही सुगम और सुरक्षित तरीके से जा सकते हैं, और आरामदायक सफ़र है और कम समय में हम अपनी दूरी को तय कर पाएंगे इसमें। तो ये अयोध्या से कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है और कम समय में लोग पहुंच पाएंगे और सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी इसमें दी गई हैं, तो इतना ही कहना चाहूँगा। और अपना मंदिर भी बन रहा है, सारी चीज़ें हैं और उसके लिए बेस्ट रहेगी ये ट्रेन।